कांकी मसाला मसाला बोले तो आजकल के काम है कोरी मूंगफली की भरिया से कांकी कौन भरिया और कोरी मूंगफली से पड़तो न पड़ा थे जनो की साथ आरेडा भी भाव आरेडा पहले भाया था पड़तो कौन खाए जिस कौन भाया अब थे जना आरेडा ना सही तरीका से भाव मैं बताऊं नी जान बाजू बताओ ते खाली मूंगफली की फसल बोला ना तो थाने घणो नुकसान हो लो तो थे यहां करो मैं एक फायदा बताऊं थाने मूंगफली के साथ में जना अरहर की खेती करो थे जिससे थाने फायदा हो लो दो फसल बोवा जना आप तो एक ना हो ना तो अपना एक वसे जना वो खेत को खर्चो निकल जाओ जे मैं तुम्हारे खेत में एक ही फसल बोवा जा दूसरी बोवा है कौन मूंगफली की फसल बरसात हो जाए जब बढ़िया हो जाए अगर बरसात ना हो तो फिर ते कहें मूंगफली की फसल से का ही ना मिल सके थाने तो इले मैं कह रही हूँ थाने कि मूंगफली की फसल ना तो छोड़ो क्योंकि साथ साथ में आरेडा वो जब मूंगफली ना होली तो था आरेडा से था एक पेड़ में था ना आधा किलो आरेडा मिले थी बरसात की कमी से मूंगफली कौन हो तो उसे कितना नुकसान हो जाए और वो नुकसान से था ना सिर्फ आरेडा की फसल ही बचा सके जाए मूंगफली के साथ आरेड बस का फायदा हो मन बता अगर बारिश कौन हुई और बारिश हो भी गई और समय पर न हुई जब अपन ने जरूरत पड़े खेता का मायने बरसात गई अब बरसात होनी चाहिए जब बरसात ना हुई तो आप नुकसान हो ही जाने तो मूंगफली तो बरसात से हो जाए और अगर बरसात ना हुई तो मूंगफली होनी कौन है ये परिस्थिति में आप ने आरेडा की फसल होगा जो फायदा मिला जाए जिससे आप नुकसान भी निकल जाओ और अपनी बचत भी हो जाए 2.5 बीघा में कम से कम 1300 पौधा हो जाए आरेडा का और मूंगफली के साथ साथ अपने 6-7 क्विंटल आरेडा मिल जाओ एक आरेड़ का पौधा में कम से कम आधा किलो आरेड़ निकले जाए एक फायदा हो जाए जमीन की उपजाऊ शक्ति बढ़ जाओ जाए राजस्थान में चले ये आरेड़ की फसल बहुत अच्छी हो जाए क्योंकि या बगल में फैल जाओ जाए और इनकी ऊंचाई बहुत अच्छी हो जाए जिन्हें इन जानवर भी कौन खावे और एक फायदा और जाए सिर्फ चने 2.5 बीघा का अंदर 1 किलो बीज लागे थे खेत बाबा बे आरेड को बीज कसे लावा कसे खाद बीज कसे खाद ले रहा कसी दिवाई मिलावा मूंगफली को और अरहर को जब आपा खेती करना चाह तो आपने वहाँ को सबसे पहली बीज को उपचार करना चाहिए फिर उन्हें बीज ने खेता में बोना चाहिए बीज को उपचार बीजामृत और ट्राइकोडर्मा से करके फिर खेता में फसल बोनी चाहिए और आरेड़ की फसल को बीज उपचार जब करना चाहिए जब आपा खेता में बुआई करवा रही हो आपने खेता में बुआई करनी चाहिए जिस दिन ही आरेड़ की फसल की बीज को बीज उपचार करना के पास बावा या दूर बावा थे बताओ मन मूंगफली की बुआई में सबसे पहली मूंगफली तो सामान्य तरीका से सामान्य जी दो आरेड़ की कतारा का बीच में एक सीधा आराम से निकल जाओ इतना ध्यान रखो आरेड़ की एक एक बीज की दूरी 3-3 फीट होनी चाहिए लाइन से लाइन की दूरी 10 फीट और बीज से बीज की दूरी 3 फीट सात उम्र सीडर शुरू कर दिया पाँच एक उम्र आरेड़ को देव और उन्हें बाया पाच काय काय को ध्यान रखे कैसे खाद देवा काय बात को ध्यान रखा ते मन बताओ मूंगफली और आरेड़ बोया बाद में जब वो पौधो 12-15 इंच को हो जावे 1-1.5 महीना बाद में तो ऊका जना तुड़ाई कर दिया पाओ की 2-3 इंच ऊपर से तोड़ दिया या काट दिया कहीं से जिससे वो पौधा में फूट आना होली जिससे वो की बड़ी बड़ी शाखा निकल जाती और पौधों फैल जाओ लो फिर जाना 2-2.5 महीना बाद में फिर उसकी तुड़ाई कर दे फिर और बाजे और तुड़ाई कर दे जिससे वो पौधों बहुत बड़ो जाओ लो यानी पेड़ बन जाओ लो और उसकी शाखा फूट जाली पूरी तरीका से जिससे 4 महीना बाद जब मूंगफली की फसल पक जाओली तो उन्हें जब सीधा से निकाल लेना तो फिर जना आरेडा ने हवा लागवा के लिए जगह मिल जा ली और वो और अच्छी तरह से फैल ली और धूप छाया सब अच्छी तरह से पर्याप्त मात्रा मिल ली जिससे वो पौधे बड़ो पेड़ का रूप में बन जाओ ना और उनके नीचे जानवर बैठ जाओ ना लेकिन उन्हें खाओला को ना और फड़ा फूल अच्छी तरीका से घन हो जाओ लो पेड़ पौधा
और कम से कम एक आरेड का वो पौधा पर एक पेड़ पर खाने कम से कम आधा किलो एक किलो आरेड जरूर मिल जाओगी। आरेड का पेड़ के फूल आया पाच कीड़ा लाग जाओ जो फड़े भी को ना हुआ उसको कहाँ इलाज कराते। आरेड का पौधा के जिया ही फूल आवा लाग जावे तो नीमास्त्र को छिड़काव करना चाहिए या नीम को नीम का बीजा को सतो हो जाए रस जी को छिड़काव करना चाहिए। 15-15 दिन में छिड़काव करता रहना चाहिए। कीड़ा लागो को इंतजार बिल्कुल भी ना करना चाहिए क्योंकि कीड़ा लागे पाचे इलाज बहुत मुश्किल हो जाए लेकिन आप पहले से इलाज कर लेते ना तो कीड़ा लागे काय बातों को ध्यान रखा। पहली बात पहली सावधानी तो यह बीजा ने जी तरीका से उपचारित करो बताया जाए ना वो तरीका से ही बीज ने उपचारित करके उगाओ। दूसरी बात आरेड का बीज को उपचार जब करे तो अपन जी दिन उन्हें उगाना चाहिए खेत के अंदर। तीसरी बात मूंगफली आप काट लिया उखाड़ लिया उसके बाद ना अगर खाली जगह बचगी ना उमे और का ही ना उगानो खाली रखनी चाहिए उस जगह ने ताकि आरेड़ा ने अच्छी हवा पानी मिल सके। चौथी बात बीजा अमृत चे ना 3-4 सप्ताह से ज्यादा पुराना ना होना चाहिए। तेमान फसल का बारे में बताया उसमें लाभ भी उठेगा आपको इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।